अब जल्द ही राजधानी का हर कोने में पुलिस की सीधी निगरानी रहेगी। स्मार्ट सिटी के ITMS प्रोजेक्ट के तहत लग रहे हाईटेक कैमरों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। जल्द ही इस योजना के तहत अब शहर तीसरी निगाह के जद में होगा। राजधानी में ITMS प्रोजेक्ट के तहत 250 से ज्यादा कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिसकी टेस्टिंग का काम फिलहाल शुरू हो चुका है। इन कैमरों का कंट्रोल यूनिट और सिस्टम पुलिस कंट्रोल रूम के नए भवन में बनाया गया है। इस योजना के तहत लगाए गए कैमरे इतने हाईटेक हैं कि जैसे ही कोई गाड़ी ट्रैफिक नियम तोड़कर आगे बढ़ेगा, कैमरे के कंट्रोल रूम में बीप या अलार्म लाइट इशारा करने लगेगी। वहां स्क्रीन पर साफ नजर आ जाएगा कि किसने कहां और किस तरह से ट्रैफिक नियम तोड़ा है। लूट और चोरी की वारदात के बाद भागने वाले अपराधी भी कैमरे से बचकर नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा शहर में होने वाली वारदातों के बाद बदमाश भागने के लिए किसी भी रास्ते का इस्तेमाल करें। इस योजना के तहत लगाए गए एक न एक जगह के कैमरे में कैद होंगे। कैमरों की मदद से अपराधियों को वारदात के बाद फौरन उन्हें ट्रेस करके फुटेज भी एक ही कंट्रोल रूम में मिल जाएगा, जिसे दिशा तय कर काम कर पाएगी। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषिनीताम के साथ निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राजधानी के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। मामला अंबेडकर अस्पताल का है, जहां डॉक्टरों ने एक जीवित महिला को मृत बताकर PM की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तब मरीज को वापस अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल महिला मेकाहारा के ट्रामा सेंटर के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती है। आपको बता दें कि रायगढ़ के ग्राम कोतमरा निवासी चमारिन बाई को राजधानी अंबेडकर अस्पताल में 15 सितंबर को भर्ती कराया गया था। परिजनों की माने तो चमारिन बाई मोटरसाइकिल से गिर गई थी, जिसे रायगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां के डॉक्टरों ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल रेफर किया था। जब से चमारिन बाई को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब से उन्हें होश नहीं आया था, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर PM की तैयारी कर ली थी। लेकिन शव का पंचनामा बनाने पहुंची मौदाहापारा पुलिस ने चमारिन बाई की सांसें चलती पाई। इसके बाद उसे दोबारा उपचार के लिए भर्ती कराया गया। इधर इस मामले में पूरी तरह से बचने में लगा अस्पताल प्रबंधन जवाब देने से इनकार कर रहा है। सेना से रिटायर हुए ब्रिगेडियर ने सरकार के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ने केंद्र सरकार पर सेना का मनोबल गिराने की बात कही, साथ ही प्रदेश में चल रहे नक्सल ऑपरेशन को फेल करार दिया है। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। देश के लिए 5 बार जंग में शामिल होने के बाद सैन्य सेवाओं के रिटायर्ड ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ने देश और प्रदेश की सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में सेना को कमजोर करने की लगातार वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है। राजनीतिक स्तर पर भी तमाम हरकतें की जा रही है, जिससे भारतीय सेना का मनोबल कमजोर होता जा रहा है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्रिगेडियर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की लगातार उपेक्षा की जा रही है। सेना को दी जाने वाली सामग्री और राशन में सरकार ने कटौती कर दी है। इस बार रक्षा बजट के नाम पर देश की कुल DGP का 1.5% राशि तय की गई है। ये देश की आबादी के बाद सबसे कम बजट है। रक्षा संबंधी तमाम सौदे में सेना की भूमिका कम होती जा रही है। रक्षा मंत्रालय के स्तर पर ही सारे प्रोक्योरमेंट होते हैं। ब्रिगेडियर यदु ने वन रैंक वन पेंशन के नाम पर केंद्र सरकार द्वारा छलावा करने की बात कही है। अगर पूर्व सरकारों ने 10% किया है तो इस सरकार ने 90% किया है, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है गलत के खिलाफ अपनी आवाज उठा सकूं। अगर आज BJP की जगह कांग्रेस होती या कोई होती, मैं यही बोलता कि हमारे साथ 1962 में क्या हुआ था वो आपको बताया है, लेकिन पिछले 4 साल में, ये प्रदीप यदु नहीं कह रहा है, ब्रिगेडियर प्रदीप यदु ये तथ्य बोल रहे हैं, और जो मैंने बोला है आप इसको, इसकी वेरासिटी यू कैन क्रॉस चेक। राशन में कटौती, जो 1983 में राशन सैंक्शन किया था 5th के कमीशन के बाद, वो अभी 7th पे कमीशन के बाद उसको वापस ले लिया गया है। साथ ही ब्रिगेडियर यदु ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी लड़ाई में फोर्स पूरी तरह फेल है, क्योंकि प्लानिंग और स्ट्रेटजी में कमी है। जहां तक नक्सली अभियान है, 2005 से 2018 तक 1966 देश में जवान नक्सली ऑपरेशन में शहीद हुए हैं, और इसमें 1012 सिर्फ छत्तीसगढ़, मतलब 52% आदमी हमारे छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हैं 2005 से 2018 तक। इसका मतलब हर 5वें दिन हमारे एक जवान शहीद हो रहा है। ये कैसा एंटी नक्सल ऑपरेशन है? इट इज अ फेल्ड एंटी नक्सल ऑपरेशन।
उसमें है फेल्ड एंटी नक्सल ऑपरेशन इन छत्तीसगढ़। रिटायर ब्रिगेडियर द्वारा केंद्र राज्य सरकार पर साधे गए निशाने पर भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि ब्रिगेडियर किस दृष्टिकोण से आरोप लगा रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन सेना के मनोबल को पीएम मोदी ने हमेशा बढ़ाया है और उनके सभी मांगों को समय रहते पूरा भी किया है। साथ ही प्रदेश में नक्सलवाद अब आने वाले 2022 तक पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर है, तो ऐसे में ब्रिगेडियर का आरोप लगाना समझ से परे है। देखिए, रिटायर सैनिक है, मैं उनके बात को खंडन करूं या मैं उनका अपमान करूं मेरे लिए उचित नहीं बनता, लेकिन मोदी जी को पूरे देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने कभी भी सैनिकों का मनोबल गिराने का काम नहीं किया, बल्कि देश का और सैनिकों का मनोबल ऊँचा है उसके लिए सदैव काम किया मोदी जी ने, पूरे देश की जनता जानती है। इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। देखिए, लगातार हम नक्सली मोर्चे पे सफल हो रहे हैं। निश्चित रूप से हम पिछले दिनों हमारे कुछ जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आज नक्सल मोर्चे पे हम पूर्ण रूप से सफलता के कगार पे पहुंच रहे हैं। हमने सरगुजा में नक्सलवाद को ख़त्म किया, हम बस्तर में नक्सलवाद को समाप्त करने जा रहे हैं, बड़े बड़े नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। सरकार ने खदेड़ने का निश्चय कर लिया, 2022 तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से पूर्ण मुक्त होगा। वही जब हमारी टीम ब्रिगेडियर के आरोप पर नक्सल ऑपरेशन के डीजी से बात करना चाहा, तो उनके व्यस्तता के कारण कोई चर्चा नहीं हो पाई। बहरहाल, ब्रिगेडियर का सरकार पर नाराजगी क्यों है ये तो समय के गर्भ में है। देश टीवी के लिए कैमरामैन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। गणेश जी 11 दिनों तक अपने भक्तों के बीच कई स्वरूपों में विराजमान होते हैं और उनके उन्हीं सुंदर स्वरूप के दर्शन कराने के लिए देश टीवी की टीम पहुंची है वाल्मीकि वार्ड। देखिए यहाँ के गणपति जी के स्वरूप को। और आज पहुंची है अवंती बिहार के वाल्मीकि वार्ड में। देखिए गणेश जी की इतनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है, जिसको देख के लोगों की नज़रें यहीं पे रुक जाएगी, इतनी सुंदर है ये मूर्ति। और जानते हैं यहाँ के आयोजन समिति के लोगों से कि ये कब से इसका स्थापना कर रहे हैं गणेश जी की, आइए जानते हैं। इस सोसाइटी को बने लगभग 12 साल हो गया है और 10 सालों से निरंतर गणेश जी की स्थापना हो रही है और यहाँ के छोटे छोटे हमारे कार्यकर्ता हैं, जैसे गौरव है, भीषण है, ये सारे बच्चे मिल करके और इनकी ही पूरी समिति मिल करके इस आयोजन को साकार करती है। बच्चे काफ़ी अच्छे मनोरंजन कार्यक्रम करवाते हैं बच्चों के लिए, जैसे फैंसी ड्रेस है, डांस है और क्रेयॉन वैक्स कलर से पेंटिंग है, ड्राइंग है और इस तरीके से, और महिलाएं समिति हैं जो अपने भजन को प्रस्तुत करती हैं, डांस कॉम्पिटिशन होता है मैम, और रोज़ 9 से 10 बजे तक सभी पूरी सोसाइटी वाले मिल करके डांस यहाँ प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे महिलाएं अपनी प्रस्तुति देती है और आप देख रहे हैं कि कितना सुंदर ये अपना भजन प्रस्तुत कर रही है। सारे बच्चे यहाँ पे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं और बच्चों के लिए यहाँ पे पेड़ जाता है। ग्यारह दिनों तक गणेश जी यहाँ पे विराजमान रहते हैं और क्या क्या इनके द्वारा किया जाता है जानते हैं इनसे कि मैडम आप बताइए कि 11 दिनों तक गणपति जी के लिए आप लोग क्या स्पेशल करते हैं। स्पेशल सुबह से उनकी पूजा आरती स्टार्ट हो जाती है, सबके घरों से जो बन पड़ता है वो प्रसाद लाते हैं और शाम के समय भजन कीर्तन, बच्चों का प्रोग्राम अलग होता है, कल मटका प्रोग्राम हुआ और भी कई प्रोग्राम यहाँ किए जाते हैं। अभी 11 दिन तक इनके विसर्जन जब तक नहीं हो जाते, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्रोग्राम और
भोग लगाया जाएगा, बीच में अभी एक दो दिन के बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। से जानते हैं कि इनके हिसाब से गणेश पूजा में क्या क्या खास किया जाता है, गणेश पूजा में आपके क्या क्या स्पेशल किया जाता है? गणेश पूजा हुई, सभी देवी देवताओं की पूजा हुई, देवी देवता कुछ भी स्पेशल नहीं मांगते हैं, स्पेशल होता है तो एक श्रद्धा होती है, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं कि हमें ये रखना है, इससे गणेश जी खुश होंगे, ये नहीं रखेंगे तो इससे नाराज होंगे, ये मैसेज आगे बढ़ाओ तो गणेश जी खुश होंगे, ये मैसेज नहीं बढ़ाया तो आपका अपशगुन होगा, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ श्रद्धा के पुष्प चढ़ाओ उसी से सब होता है, बाकी जो थोड़ा बहुत है फॉर्मेलिटी वो करनी पड़ती है, भगवान का तिलक करना नियम होना चाहिए, आरती दो टाइम करनी है तो करनी है, थोड़ा बहुत भजन कीर्तन तो माहौल क्या है धार्मिक हो जाता है, पावन हो जाता है। अभी हमने समिति की महिलाओं से बात की और देखा कि उन्होंने कैसे सेलिब्रेट किया, आप देखते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं ये बहुत छोटे और कैसे इतने अच्छे से पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, इनसे खुद जानते हैं कि ये कैसे करते हैं ये सब। आप लोग की उम्र बहुत कम है लेकिन आप लोग इतनी बड़ी मूर्ति की जिम्मेदारी लेते कैसे करते हैं ये सब? बस ये हो जाता है, अभी हम लोग का छठवां साल है, ये बस भगवान की कृपा है और बड़ों का सपोर्ट है तो उनसे हम कर लेते हैं। जी आप बताइए, आपको कितना सहयोग देते हैं समिति से? आप बहुत ज़्यादा कम एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों की, तो आपको कैसा फील होता है? हमें अच्छा फील होता है, लगभग हम अपने से खुद से पैसा मिलाते हैं और कुछ कुछ है दो चार बड़े बड़े पर्सन है जिनसे हम बड़े लगभग 500,000 इस टाइप से। आपका कितना सहयोग होता है इस समिति में? हो जाता है लगभग 50-60,000 तक और हम लोग अपने से भी करते हैं कुछ। तो आज हम थे वाल्मीकि वार्ड में और देखा कि कितने अच्छे तरीके से लोग यहाँ गणेश पूजा को मनाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है लोगों को ये देखना, आप माहौल देख के ही इस चीज़ का देख सकते हैं। कैमरामैन एस गणेश के साथ लीला साहू। और जाते जाते एक नज़र खबर की सुर्खियों पर। अटल विकास यात्रा के दौरान रमन ने दी करोड़ों की सौगात, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। कांग्रेसियों पर चला पुलिसिया डंडा, लाठीचार्ज की होगी मजिस्ट्रियल जांच। तीसरी निगाह की जद में जल्द होगी राजधानी, शुरू होगा आईटीएमएस। और भगवान गणेश के विभिन्न स्वरूपों का हो रहा दर्शन, पंडालों में उमड़ा दर्शनार्थियों का सैलाब। देश टीवी के सभी कार्यक्रम और समाचार देख सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। प्रतिदिन समाचार में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।